सत श्री अकाल दोस्तों, साडा पंजाबी विरसा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करता हाँ। दोस्तों समय समय से असी पंजाबी चाहे गीतकार होन चाहे कलाकार होन वक वक तरीके नाल ताड़े रूबरू कीता है, तानू जानू करवाया इस चैनल के जरिए। तो अज फिर एक वीडियो ताड़े रूबरू करन जा रहे हैं अमर सिंह चमकीला पंजाबी गायकी दे थम दोगाना गायकी दे बादशाह। एक किस्सा मैं दोस्तों पंजाबी गायकी दे सात समुंदर अली राजपुरा दी किताब चो पढ़ के सुना रहा हाँ। तनी रामा तेनू आ कीती सेवा दा मेवा जरूर मिलेगा, समा अपनी तोर तुरदा गया हालात बदलते गए। सुरिंदर शिंदे ने बुड़ैल 34 सैक्टर चंडीगढ़ रामलीला का प्रोग्राम 3500 रुपए च बुक किया। कश्मीरी लाल चमकीले नू नाल नहीं सी ले जाना चाहुंदा क्योंकि प्रोग्राम बहुत घट पैसों च बुक होया सी। केसर सिंह टिक्की अपने कोलों किराया खर्च के चमकीले नू नाल लै गया सी। पहले दिन दे प्रोग्राम तो अगले दिन रामलीला का प्रधान पहले दिन का प्रोग्राम देख के वधाई देन आया सी जिथे ये सारे ठहरे हुए सन। गल्लां करदिआं करदिआं उसकी निगाह बाजे नाल छेड़छाड़ करदे चमकीले ते पई तां प्रधान ने इस वल्ली उंगल करके पुछिआ, इह मुंडा कौन है? इह मेरा शागिर्द है। सुरिंदर शिंदे ने उसकी गल का जवाब दिंदिआं कहा। प्रधान ने फिर कहा, इसनू भी टाइम दिया करो। दो तीन दिन मगरों टाइम दिता। प्रसिद्ध गीतकार सनमुख आजाद ने धनी राम नू अमर सिंह चमकीले दे नाम नाल स्टेज ते पेश किया कि यह कई सदियां तक चमकदा लिशकदा रहेगा। धनी राम ने लोक गाथावां दे बादशाह कुलदीप माणक दा गाया गीत एक जोगी टिल्यो आ गया नी भाभी सुनाया। हजारां दे इकट्ठ ने धनी राम तो अमर सिंह चमकीला बने नू हौसला दिता। बस फिर की सी, उस तो बाद गायकी दी गड्डी ने अजही रफ्तार फड़ी फिर नहीं मठी पई। चमकीले ने सब तो पहला गीत जोड़िया, मैं डिगी तिलक के छड़े जेठ ने चुकी। चमकीले ने इस गीत नू गाउन लई करतार रमले ते सुखविंदर सुखी नू तैयार कर लिया। पर जदों इस गल दा केसर सिंह टिक्की नू पता लग्या तां उसने चमकीले नू इह गीत सुरिंदर शिंदा तो रिकॉर्ड करवाउण लई सलाह दित्ती। जदों इह गीत सुरिंदर शिंदा ते बीबी सुरिंदर सोनिया दी आवाज़ च HMV ने रिकॉर्ड कीता तां इह पंजाब च ही नहीं विश्व पद्धर ते गूंजिया। इस गीत नाल चमकीला गीतकारां दी कतार च आण खलो गया। इस तो बाद फिर सुरिंदर शिंदे ने चमकीले दे लिखे गीत दुद्ध वांगू तू फट गई बिना जाग तो पतलिए नारे रिकॉर्ड करवाए। इस तो बाद गीत दे ज्ञानी डुब जानी दा जेठ गूगल दी धूनी ते फिर गाया चोरी छिपे मिल जाया कर मित्रावे मेरी मां परमा दी मारी। चमकीला ते केसर सिंह टिक्की इको कमरे च रहंदे होण करके चमकीला जदों भी कोई गीत लिखदा तां टिक्की नाल सलाह करदा ते सुणाउंदा ते सलाह करदा कि इसनूं देणा किन्नू है। इन्हां गीतां ने बेहद मशहूरी खट्टी ते चारे पासे वजे। सुरिंदर शिंदे दी गल कनेडा दे प्रमोटर नाल हो गई। सुरिंदर शिंदा सुरिंदर सोनिया दी थां गुलशन कोमल नूं कनेडा लै गया। ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਚਮਕੀਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੀ ਨੇ ਚਮਕੀਲੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੀ ਕੋਲ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਨ ਦਾੜੀਆ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ
जिन्हां नूं सुरिंदर शिंदे ने गाया है ओह सुपर हिट हो गए, तां फिर इह क्यों नहीं चलेगा। सुरिंदर चमकीले ने सुरिंदर सोनिया नाल सैट बना लिया ते ओह सोनिया दे घर तैयारी कर दे। उदों चमकीले ने चार गीत लिखे, भाभी ए भैन तेरी नाल दियोर, तेरा कदों खेडू कंगना नी, टकुए ते टकुआ खड़के बुढ़ड़ा ना जानी पट दू चगाठनी। इन्हां गीतां तो बिना चार गीत होर तैयार किते। उन्हां दिनां विच सुरिंदर सोनिया ते चमकीले नूं 150 रुपए प्रति प्रोग्राम मिलदे सन। इन्हां ने कई प्रोग्रामां दे पैसे इकट्ठे कर सलाह कीती कि क्यों ना आपां इक गेड़ा HMV दा ला लईए। इन्हां ने 50 रुपए प्रति सवारी दे हिसाब नाल टैक्सी कर HMV दिल्ली जा पहुंचे। चरणजीत आहूजा ने जहर अहमद नूं कहा, ये दो कलाकार पंजाब तो आए हैं, आपां इन्हां नूं सुन लईए। अगो जहर अहमद बोलिया, आहूजा जी अजे किसे नवे कलाकार दी इंटरव्यू नहीं करनी। चरणजीत आहूजा चट दे नहीं बोलिया, इस लड़के दे लिखे गीत सुरिंदर सोनिया आते सुरिंदर शिंदा दी आवाज विच हिट होए हन। जदों जहर अहमद ने चमकीले दे हिट होए गीतां दी लिस्ट देखी तां चरणजीत आहूजा साहब नूं कहना लग्या, आहूजा साहब इन्हां नूं सुनना है जां वापस भेजना है, नाले कोई साजी भी नहीं अजे अपने कोल। स्वबी तबला वादक यूसुफ खान दी ते ढोलकी मास्टर बसंती किसे कलाकार दी रिकॉर्डिंग लई आन पहुंचे तां चरणजीत आहूजा ने कहा, जल्दी करो पहला इन्हां पंजाब तो आए कलाकारां नूं सुन लईए, क्योंकि मगरों दूजे कलाकारां दी रिकॉर्डिंग है। चरणजीत आहूजा ने आवाजां ते दूजे साजियां ने आपो अपने साजां नूं सांभदियां इन्हां तो चारों गीत सुने जिन्हां दी चमकीले ते सोनिया ने तैयारी कीती होई सी। जहर अहमद ने चरणजीत आहूजा नूं अपने दफ्तर बुला के कहा कि इन्हां नूं आपां रिकॉर्डिंग दी तरीक दे दईए। सो दोस्तों, ये किस्सा मैं किताब पंजाबी गायकी दे सत समुंदर अमर सिंह चमकीला जी दा किस्सा पढ़ के सुनाया है। इसी तरह तुहानू समय समय ते असीं वक्ख वक्ख गीतकारां कलाकारां बारे जाणू करवांदे रहांगे। तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब कर लो प्रीत डुगरी दे नाल साडा पंजाबी विरसा। धन्नवाद दोस्तों।